वेन वी आर इन्वेस्टिंग इन द फाइनेंशियल फ्यूचर्स तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देर कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द एक्सपेक्टेशंस जब हम फाइनेंशियल फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करें हैं या इन्वेस्टमेंट की प्लान करें हैं तो वहाँ एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं आपकी एक्सपेक्टेश आपकी फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी वो इन्फ्लुएंस करती हैं कि फॉरवर्ड प्राइस क्या होगा तो इसलिए वी नीड टू लुक एट द ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मार्केट या जिसको हम कहते हैं मार्केट का सेंटिमेंट क्या है और मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है तो जो वेरिएबल्स हैं वो उस एक्सपेक्टेशन से असरअंदाज होते हैं उनकी वैल्यूज एक्सपेक्टेशन से अंदाज अंदा, से असरअंदाज होती हैं इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट uh, को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव अ हाइपोथेसिस व्हिच इज़ कॉल्ड द एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग हाइपोथेसिस होती क्या है सो एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस कहती है कि जो फॉरवर्ड प्राइस ऑफ अ करेंसी है वो हमेशा बराबर होता है उसके एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट प्राइस के यानी कि जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया है कि फ्यूचर का स्पॉट प्राइस ऐसे होगा यानी कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा पूरी जनरली मार्केट ये परसीव कर रही है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्राइस ऐसा कैसा होगा तो इवेंचुअली जब आप एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस को देखते हैं डिसाइड हो रहा है मार्केट में तो वो उससे असर अंदाज हो रहा होता है और इसी को अगर हम सिम्बॉलिकली एक्सप्रेस करें तो वी कैन सी दैट दिस अगर हम रिप्रेजेंट करें इस एफ कैपिटल एफ से कि ये फॉरवर्ड प्राइस है और एस वन हमारा करंट स्पॉट प्राइस है तो ई e का मतलब है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारा जो फॉरवर्ड प्राइस uh, uh, एक साल के बाद की हमने ये एक जो डाला है इसके अंदर सब्सक्रिप्ट तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ये करंट स्पॉट प्राइस नहीं है ये एक साल के बाद का स्पॉट प्राइस है तो एक साल के बाद का स्पॉट प्राइस क्या होगा उसकी एक्सपेक्टेशन विल हेल्प आस इन डिटर्मिन कि वॉट विल बी द फॉरवर्ड प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट एंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेशन हाइपोथिस के वो कहती है कि आपकी जो फॉर्वर्ड प्राइस है वो हमेशा आपकी एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस इन फ्यूचर क्या होगी उससे डिराइव होती है